इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है तो और ये लुकिंग एट समथिंग या ऐसा डिटरमिनेशन या I am excited at the same time I'm very nervous because technically this is going to be my debut although I have shot a couple of them before but those are actually taking festival rounds so yeah I mean Hacked would be my debut film
So the date is out, as you know, it's gonna release on 31st January. Very excited, very nervous, and waiting that how well it will be received by the audience. How glad you feel that your debut has been happening with the Vikram Butts movie? Of course, you feel good. I mean, he's such an experienced director producer. Since so many decades he's there in the industry, he has a lot of experience and he's taught me so many things. I've taken a lot back home from him, which I will carry throughout my career. So yes, it was a learning experience for me, which I'm definitely going to take forward and use it in my other projects. ओके आज पोस्टर शूट हो रहा था लाइक कितना एंजॉयबल था कितना Very मजा nice. My poster shoots are always funny. Last week I shot for Damaged 2 के poster के लिए I shot. So that'll also be out in January. And today I'm shooting for Hagged poster shoot. So a lot of good things happening and a lot of things are in pipeline. मेरी अभी भी बातें चल रही हैं नए projects के लिए. So good. I am hoping, you know, a very positive and superb 2020 with a lot of projects. Okay, we'd like to know about more about Hagged. So, कैसी मूवी होने वाली है? आपका क्या कितना Hagged, मन है? देखिए, इट्स अबाउट दिस गर्ल सैम एंड वट एवर हैपन्स अराउंड हर. आजकल हम सोशल मीडिया को लेके इतने सीरियस हो गए हैं कि सोशल मीडिया के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी लाइफ हिस्ट्री सोशल मीडिया पे है. उसके अलावा हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है और हम कोई आइडेंटिटी बनाना ही नहीं चाहते हैं उसके अलावा. हम उसी फेक वर्ल्ड में ही जीना चाहते हैं. इवन इफ़ यू आर सैड, यू वॉन्ट टू क्लिक अ हैप्पी पिक्चर एंड पोस्ट. सो वी आर जस्ट लिविंग इन अ फेक वर्ल्ड एंड कहीं ना कहीं डीप डाउन इट इज़ हार्मिंग अस, हर्टिंग अस इन मैनी वेज. सो वी हैव जस्ट इन मैनी अदर वेज वी हैव ट्राइड टू पोर्ट्रे इट एंड वी हैव ट्राइड टू प्रजेंट इट टू द वर्ल्ड कि कैसे हमारी सोशल मीडिया और इस डिजिटल वर्ल्ड के अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई 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 पर्सनल लाइफ भी नहीं है. तो समटाइम्स इट्स टू डेंजरस जब आपका सब कुछ आप सोशल मीडिया पे ही डाल देते हैं और उसके अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है, कुछ कुछ बचा ही नहीं आपकी लाइफ में. सो आई वॉन्ट टेल यू ऑल, देर आर मेनी लेयर्स, अ लॉट हैपन्स इन दिस फिल्म. सो या आई वुड से दैट प्लीज़ वॉच इट. ओके, विक्रम सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे लाइक थ्रू आउट शूट ओ वगैरह? ही इज़ अ स्वीट हार्ट, ही इज़ अ स्वीट हार्ट, सच अ चिल्ड आउट पर्सन. ही इज़ सो स्वीट. बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं. आपको बताएंगे हिना शॉट में ये है, ये मत करो, ये करो, ये अच्छा है, ये खराब है, और आपको समझाते रहेंगे. और ट्रस्ट मी, हर एक्टर को ऐसा होता है कि पैकअप कब होगा, पैकअप कब होगा. मैं आपको उनकी एक चीज़ बताऊँ तो हमसे ज़्यादा जल्दी उनको होती है कि यू नो आई हैव टू फिनिश माई वर्क. और ऐसा भी नहीं है कि उनका फिनिश हिज वर्क इज़ लाइक कि अच्छा चलो कर दो. ही मेक श्योर दैट ही डज इट वर्क, डज हिज वर्क प्रॉपरली. और उनका एक भी सीन क्या, एक शॉट कॉम्प्रोमाइज ना हो, और उसके बाद भी उनको आराम से टाइम से पहले घर जाना है. तो हमने तो मतलब बहुत मजा किया है. अगर विक्रम सर के साथ एक मेमोरी शेयर करनी होगी आपको हमारे साथ ड्यूरिंग द शूटिंग. आई थिंक वन मोमेंट वॉज वेरी स्पेशल टू, या इट इट ऑलवेज बी वेरी स्पेशल टू मी. आई इनफैक्ट आई टोल्ड हिम दिस, वेन वन ऑफ माई शॉर्ट्स ही रियली लाइक्ड एंड आफ्टर कट ही हेल्ड माई हैंड एंड ही किस्ड इट एंड दैट वॉज सच अ नाइस जेस्चर, यू नो दैट. I loved the shot. As a director, he said that I really really loved the sh I loved your shot and he was very very happy. So yeah, I will always remember that moment. That's amazing. Apart from this, Hina, कल आप और प्रियांक गए थे बिग बॉस में वीकेंड के बाहर के लिए. How was all like? Very good. It's always good to meet Salman. In fact, we were talking for a very long time, me and Salman and all the people around there. He's a sweetheart. बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की. And other than that, फिर हम स्टेज पे मिले और फिर घर के अंदर भी गए. अच्छा था, मज़ा आया सारे कंटेस्टेंट्स से दोबारा मिल के. And as I say that, all of them are doing a great job. ओके, रश्मि को भी आपने एक सलाह दी है उनके पर्सनल लाइफ में लाइक अपने नहीं एपिसोड में देखा था. नहीं मैंने कोई सलाह नहीं दिया उनको. आई जस्ट टोल्ड हर टू बी स्ट्रांग एंड वेन इन लाइफ यू रिपीट अ मिस्ट यू डू अ मिस्टेक, यू शुड नेवर रिपीट इट. दैट्स द ओनली एडवाइस आई गेव हर, नथिंग एल्स. ओके लाइक अभी मूवी आपकी आ रही है, फिर अभी रांझना सुपर डुपर हिट जा रहा है, व्हाट डू यू वांट टू से टच वुड टू योर फैंस?
आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, सो प्लीज़ प्लीज़ कीप ऑन शावरिंग दिस लव एंड या आई मीन देर इज अ लॉट टू कम. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड.